दोस्तों नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सभी का। फाउंडेशन कैंप की तैयारी कैसे करें हैं, इस विषय पर हम पुनः चर्चा करने वाले हैं। आइए आज हम बात करेंगे अगले कार्य पत्रक की। चलिए बात करते हैं कार्य पत्रक 20। इस पर लिखा है संख्या रेखा पर गुना व भाग। तो देखिए संख्या रेखा पर गुना कैसे करना है। यहां पर देखिए 5 × 13 दिया है, 5 × 10³, इसको हम पहले 13 को अलग अलग भाग में दो भागों में बांट लेंगे अपनी सुविधा अनुसार। फिर इसको हम वितरण नियम के अनुसार यहां पर फिर से लिख लेंगे 5 × 10³ × 5 × 3। अब यह हमारी संख्या रेखा है, इस पर हम पहले सबसे पहले हम इसको 5 × 10 को दिखाएंगे, उसके बाद 5 × 3 को दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं, ये ओपन मॉडल है, आप ऐसा दिखा सकते हैं। ये 5 × 10 है, कहां पहुंच गए 5 × 10 = 50, तो ये हम पहुंच गए 50 में। अब हम क्या करेंगे, यहां से 50 के बाद 5 × 3 चलेंगे, 5 × 15, तो यहां पर 5 × 3 चलेंगे और कहां पहुंच जाएंगे 15 जोड़ेंगे 50 में, कहां पहुंच जाएंगे 65, ये हमारा 65। यहां हम लिखेंगे 5 × 3। आपको आप चाहे तो ऊपर लिखेंगे, यहां पर जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिखा हूं यहां पर, लेकिन आपको दिखाना है 5 × 10 और 5 × 3। तो 5 × 10 सीधा सीधा हम कहां पहुंच गए 50 में, और 5 × 3 कहां पहुंच गए 65 में। इस प्रकार से हम 5 × 13 जो कि 13 × 5 = 65 होता है, उसको हम दिखा सकते हैं। सामान्यतः हम गणित विषय की जब पढ़ाई करते हैं तब हम 5 को 13 बार चलते हैं, यहां पर ऐसा ना करके डायरेक्ट गुना करके भी हम जा सकते हैं 65 में। इसको ओपन मॉडल बोलते हैं। ओपन मॉडल में इस प्रकार से संख्या रेखा में एक एक दो दो तीन तीन गुना करके आगे बढ़ने की जो बंधन है वो नहीं होती है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पर 16 × 213, तो हम इसको 16 का यदि पहाड़ा आपको याद है तो हम 16 को वैसी को वैसी रखेंगे और 213 को अलग अलग भाग में हम तोड़ लेंगे, 200 × 10 × 10 = 13। जी हाँ, दशमी पद्धति का यहां पर उपयोग हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला रूप जो हम पहले कर चुके हैं जोड़ तोड़, उसका उपयोग हो रहा है यहां पर। फिर हम वितरण नियम के अनुसार इसको बांट लेंगे, 200 × 16 × 10 × 16 × 10 × 16 × 3 इस रूप में। अब चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 × 200 चलेंगे। 16 × 200, ये हमारा 16 × 200 है, ये आ गए 16 × 2, यहां लिख देते हैं 16 × 200। कितना होगा 16 × 200, 16 × 2 = 32 और 2 शून्य बढ़ा देते हैं 1, 2, तो ये हो गया 3200। हम कहां पहुंच गए 3200 में। अब हम कहां चलेंगे, 16 × 10, 16 × 10 कितना होगा, 16 × 10 = 160, 16 × 10 तो 160 इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3360। हम 3360 में पहुंच गए। अब कितना चलेंगे, 16 × 3, तो 3360 में पहले पहुंच गए हैं, 16 × 3 कितना होगा, 16 × 3 = 48, तो हम यहां पर अब चलेंगे 16 × 3 = 48, 16 × 3 चलेंगे, 48 और जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 3408। हम पहुंच गए 3408 में। इस प्रकार से ओपन मॉडल की विधि का प्रयोग करके हम आसानी से एक ही पेज पे बड़ी संख्या को भी दर्शा सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए आप कैसे दर्शाए हैं, 16 × 200 ये 3200 हो गया, सीधा 3200 में पहुंच गए हम। फिर 16 × 10, यहां से 3200 में हम 160 और जोड़ेंगे, 3360 हो जाएगा। फिर 3360 से हम 48 और चलेंगे, 16 × 3 = 48, तो ये हो जाएगा 3408। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 3408। आइए अब देखते हैं भाग का सवाल। देखिए यहां पर 36 / 4 है, 4 से 36 को भाग देना है। ये आसान काम है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको शुरू के कार्य पत्रकों में। ये एक सवाल दिया 234 / 8, लेकिन यहां पर देखिए एक और सवाल दिया है 432 / 12,
तो 432 भागित 12 को हम यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखो यहाँ पर हमने कहीं एक बिंदु पर हमने ले लिया 432। अब इसको 12 से हमको भाग देना है। देखिए यहाँ पर 32 दिख रहा है आपको नीचे में, तो 32 में हम 12 पहले कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि 12 हम यहाँ पर कम कर देते हैं तो ये जो बचा हुआ संख्या है वो 420 हमारे पास बचेगा, उसको भाग देना आसान होगा। इसलिए आ चाहे तो आप दूसरे तरीका भी उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा संख्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 कम कर देंगे, 12 मतलब 12 एकम 12, ये हम यहाँ पर कम कर दिए। कहाँ पहुंच गए 12 कम हुआ तो? हम पहुंच गए 420 में। 432 में हमने 12 कम किया एक बार, तो कहाँ पहुंच गए 420 में। अब 420 को हम आप 12 से भाग देके देखिए कितने बार में जा सकता है, उतने ही बार हम सीधे जीरो पे चले जाएंगे। तो देखिए कितना हो सकता है, ये 12 के 36 तीन बार गया, फिर बचा हमारे पास 6 और हो गया 60, 12 पंचे 60 यानी 35 बार में हम सीधे सीधे यहाँ पर जीरो में जा सकते हैं। ये क्या हो गया, ये 12 गुना 35। तो देखिए 12 से हम भागते हैं, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, ये जो 35 है और ये जो 1 है दोनों जुड़ जाएगा, 35 और 36 इसका उत्तर आएगा। तो 36 हमारा आंसर आया, 432 को 12 से भाग देने पर 36 आंसर हमारा होगा। कैसे होगा? यहाँ पर 12 एकम 12 एक बार हमने कम किया और यहाँ पर 35 बार हम कम कर रहे हैं सीधे सीधे, इसलिए हमारा आंसर आएगा 35 और 1 36। तो एक बार पुनः इसको ध्यान से देखिए, हमने पहले यहाँ 12 कम किया। क्यों 12 कम किया? ताकि हमारे पास ये 420 के रूप में यानी कि इकाई में जीरो के रूप में संख्या प्राप्त हो, जिसको भाग देना आसान हो जाएगा। फिर हम उसके बाद 12 से देखते हैं इसको भाग दे के कितने बार में जा सकता है। हमने भाग दे के पहले कोशिश किया तो यहाँ पर 35 आया, इसलिए हम 35 से 12 को गुना करके सीधा सीधे हम कहाँ पहुंचेंगे, जीरो में पहुंचेंगे। इस प्रकार से हम दो ही बार में 432 को भाग देने में सफल रहे, और 35 और 1 को जोड़ने के बाद यहाँ पर जो 35 है वो यहाँ पर जो 1 है वो दोनों जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। इस प्रकार से गुना और भाग के सवाल को हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक 21 का जो सवाल है वो पुनरावृत्ति का सवाल है, यानी हम जो पहले कर चुके हैं उसी को एक बार पुनरावृत्ति यहाँ पर करना है, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे और कार्यपत्रक 22 पर आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्यपत्रक 22 दिया हुआ है हमको, आकृतियों की पहचान व वर्गीकरण। यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां हमको कार्यपत्रक में दिया हुआ है, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये सभी आकृतियां हैं। इन आकृतियों को सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे यहाँ पर, जैसे 1 यहाँ पर लिख देंगे, 2 ये 3 ये वाला 4 ये वाला हमारा हो जाएगा 5 ये 6 ये 7 ये 8। वैसे बाकी हम चित्रों को नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग करने के बाद हम बच्चों से भी कहेंगे नंबरिंग करने के लिए, सभी आकृतियों को ध्यान से देखने के लिए कहेंगे, बार बार देखने के लिए कहेंगे, और वो चाहे तो नंबरिंग अलग तरीके से भी कर सकता है, लेकिन नंबरिंग करना है किसी भी रूप में। दोस्तों नंबरिंग हो जाने के बाद और ध्यानपूर्वक देखने के बाद यहाँ पर देखिए क्रमांक डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी पूरा आएगा यहाँ तक लास्ट तक, तीनों तीन कोनों वाली आकृतियों के क्रमांक आपको भरना है। उसी प्रकार 4 कोण वाली आकृति, 5 कोण वाली आकृति, 6 कोण वाली आकृति का क्रमांक भरना है। क्रमांक भरने का कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए 3 कोण वाली आकृति कौन कौन सी है, कौन कौन से क्रमांक की है, यहाँ पर 1 5 3 और 7, और कोई आकृति 3 कोण वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार 4 कोण वाली आकृति हम गिन लेंगे, ये 2 है 6 है 8 है, और इसी प्रकार यहाँ पर जो नंबरिंग आएगा वो हम नंबरिंग वहां कर देंगे। सभी जो कॉलम है उसको हम नंबरिंग के हिसाब से वहां पर हम भर लेंगे। देखिए यहां पर 6 कोण वाली आकृति का नंबर हमको डालना है। ठीक उसी प्रकार हम यहां पर भी 3 भुजा वाली आकृति कौन कौन सी है उसके क्रमांक यहां डालना है, 4 भुजा वाली आकृति कौन कौन सी है उसके क्रमांक हमको यहां डालना है, 5 भुजा वाली और 6 भुजा वाली। फिर आगे का जो काम है वो हमारा ये है, थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको उसी आकृतियों के बारे में लिखना है।
अब देख के लिखेंगे तो जैसे भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चौकोर आकृति के बारे में तीन चार बातें आप लिखें। चौकोर आकृति वाले में के बारे में तीन चार बातें क्या क्या हो सकती हैं? पहली बात तो होगी कि उसमें चार कोण हैं, चार शीर्ष हैं, चार भुजाएं हैं। ये बातें बच्चे यहां पर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीन कोणों वाली आकृति के बारे में लिखना है उनको, पांच कोणों वाली आकृति के बारे में लिखना है। तो ये बच्चे स्वयं करेंगे, आप थोड़ा सा हिंट करते रहिएगा। और अच्छे ढंग से हम विश्वास दिलाते हैं आपको, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज की जो अवधारणा है बच्चों के दिमाग में फिट होने लगेगा इस कार्यपत्रक को भरने के बाद। फिर देखिए कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 में आकृतियों में अंतर करना सीखेंगे बच्चे। जो आकृति अभी देखे हैं बच्चे थोड़ी देर पहले, उन्हीं आकृतियों में से वो अंतर करना सीखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर करना सीखेंगे। तो क्या क्या अंतर हो सकता है? त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। इसमें तीन कोण होता है, इसमें चार कोण होता है। इसके तीन शीर्ष होते हैं, इसमें चार शीर्ष होते हैं। चाहे तो बच्चा विकर्ण के बारे में भी लिख सकता है। यदि वो ठोस रूप में बनाकर देखता है ट्यूब के रूप में, ये देखिए, आप प्रेरित करें बच्चे को इस प्रकार से आकृतियां वो बना ले। देखिए मैं दबा रहा हूं, यहां प्रेस कर रहा हूं, लेकिन त्रिभुज तीन भुजा वाली जो आकृति है वो किसी भी प्रकार से इसमें लचक नहीं है, ये बहुत ठोस है और ये अच्छी तरीके से यहां पर खड़े हो सकते हैं। जबकि हम यहां पर चतुर्भुज में देखेंगे, देखिए इसमें लचक है इस प्रकार की आकृतियों में। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई पुल बनाया जाता है, कुछ बिल्डिंग बनाया जाता है, तो उसकी जो आकृति होती है, कोने होती है, वो इस प्रकार से खड़ी कर दी जाती है। तो बच्चा जब स्वयं इस प्रकार की आकृतियां बनाकर देखेंगे तो वो और भी बहुत सारे अंतर करना सीख पाएंगे। तो आज बस यहीं तक। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा जरूर, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो जब भी अपलोड होगा आप तक तुरंत पहुंच सके। बहरहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।